हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कोट का कटिंग करके दिखाऊंगा। मैं इस वीडियो को तीन भाग में बांटूंगा, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, मैं आप लोगों को लेडीज़ कोट कटिंग करके दिखाऊंगा। तो पहला भाग में मैं आप लोगों को पीछे का जो भाग है उसको कटिंग करके दिखाऊँगा, और दूसरा भाग में सामने का भाग है उसको कटिंग करके दिखाऊँगा, तीसरा भाग में स्लीव का और उसका कॉलर का कटिंग करके आपको दिखाऊंगा, है ना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट समझा दे रहा हूँ। पहला, लंबाई है 25.5 इंच और चेस्ट 32 इंच है। पीठ का जो चौड़ाई है वो 13.5 इंच है। कमर का ऊँचाई 16 इंच है। कमर इसका 26 इंच है और सीट यानी कि हिप बोलते हैं वो 32 इंच। ड्राइंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये लाइनिंग वाला है तो इस लाइनिंग को अच्छे से मिला देना है, आगे पीछे ना हो। फिर उसके बाद हमें मार्किंग करना है, क्योंकि हमें सामने का लंबाई यहाँ पीछे का रहेगा और इधर ही सामने का जो भाग है उसको भी कटिंग करेंगे, है तो सामने का जो लंबाई है थोड़ा सा बढ़ेगा पीछे के लंबाई से, इसलिए इधर मैं इस साइड में कम से कम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, 3 इंच कम से कम मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसको हम लोग सीधा ले लेंगे, इस प्रकार से इसको सीधा खींच लेंगे। अब क्या करना है हमें, लंबाई 25.5 इंच है तो उस पर 0.5 इंच बढ़ाना है, 25.5 इंच है तो उसको 26 इंच करेंगे। अब इधर 26 इंच पर हम लोग एक मार्क करेंगे इधर की ओर लंबाई का, इस प्रकार से। एक और चीज, हमें अगर पीछे साइड में थोड़ा बहुत लूजिंग छोड़ना पड़ेगा, कम से कम 1 इंच का, इसको हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे पीठ में। अब हमें क्या करना है, कमर का जो ऊंचाई है वो 16 इंच है। कमर की ऊंचाई मैं इस पर लिखा नहीं हूँ, उसको लिख दे रहा हूँ। कमर की ऊंचाई जो रखेंगे हम लोग 16 इंच है, आप लोग नाप सकते हैं कमर की ऊंचाई पीठ की तरफ से, है ना। तो 16 इंच पर हम लोग नाप रखेंगे, इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। और इसको भी हम लोग, अगर आपके पास गुनिया है सीधा करने के लिए तो बेहतरीन है, इस प्रकार से। अब क्या करना है हमें, आर्महोल के लिए, मुट्ठा के लिए, यहाँ से चेस्ट इसका 32 इंच है तो 32 इंच का चौथाई भाग लेना है, चौथा भाग 8 इंच हो रहा है तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधा खींच लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इस लाइन को और इस लाइन को नापना है कितना है, 16 इंच। तो इस 16 इंच को हम लोग तो भाग में बांटेंगे 8 इंच, तो यहाँ से हम लोग एक 8 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इसकी लंबाई कम है इसलिए मैं इस पर 1 इंच कम कर रहा हूँ। ये हमारा सीट का जो नाप है, हमने आर्महोल के लिए 8 इंच लिया है, छाती का चौथा भाग, तो उसको हम लोग बीचों बीच एक लाइन खींच लेंगे सेंटर में। इस प्रकार से अब क्या करना है हमें, ये 8 इंच है ना, इसको हमें चार भाग करना है। चार भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 × 6 = 8, तो 2 इंच हो रहा है ना, इस प्रकार से। तो इस पर मैं 0.5 इंच कम करूंगा, क्योंकि इसका जो कंधे का ढाल है वो कम है ना, तो इसको मैं 0.5 इंच कम कर रहा हूँ, 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगा इसको, इस प्रकार से हम लोग 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब क्या करना है, जो हमने पीठ का जो नाप लिया है, देखिए कितना है, 13.5 इंच, 13.5 इंच का आधा करेंगे, 7.25 इंच आ रहा है ना, 7.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और इस पर हम लोग 1.25 इंच ऐड करेंगे, 1/2 इंच लूजिंग के लिए और 0.5 इंच सिलाई के लिए। तो देखिए कितना आ रहा है, 7.5 इंच यहाँ पर आएगा, तो 7.5 इंच पर एक हम लोग सीधी लाइन खींच लेंगे, प्रकार से हम लोग सीधी लाइन खींच लेंगे। जो कंधे का जो उतार है 1.5 इंच को हमने लिया हूँ, 2 इंच चौथा भाग करना है, चार भाग यहाँ से,
आर्महोल का चौथा भाग करना है। उसके बाद चौथा भाग करके इस पर आधा इंच कम किया हूँ उसको आप लोग, अगर किसी का कंधे का उतार ज़्यादा है बहुत ज़्यादा तो दो चौथा भाग से बढ़ा भी सकते हैं, या फिर 2 इंच पर ही मतलब चौथाई पर ही ले सकते हैं। इसका कमर 26 इंच कमर है ना, और 32 इंच चेस्ट है, तो मतलब ज़्यादा का डिफरेंस है ना, फर्क है, जबकि 4 साढ़े 4 इंच तक का ज़्यादा रहता है। इसलिए यहाँ पर मैं 1.5 इंच के बजाय यहाँ पर इस लाइन पे जो बीच है हमारा कमर ऊंचाई है, ये 16 इंच पर हमने कमर ऊंचाई रखा था, उस पर हम लोग 1.25 इंच पर यहाँ पर रखेंगे। इस प्रकार से 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लिया है 1.25 इंच, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 1.25 इंच लेंगे, 1.5 इंच 1.5 इंच लेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे इस प्रकार से। चलिए अब मैं इसको सेप बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इसको हमें यहाँ पर मिला देना है इस प्रकार, और यहाँ से हल्का से देखिए इस प्रकार से हमें का जो है उसको सेप देना है। यहाँ पर देखिए 5 इंच है थोड़ा से, और इस प्रकार से जाना है। ये हमारा पीछे का जो सिलाई है उसका सेप तैयार हो चुका है। अब देखिए हमें गले का आकार बनाना है ना, यहाँ पर गले का पीछे का जो गला है, छाती का 12वां भाग लिया है, छाती का जो 12वां भाग लिए हैं है ना, तो उस पर हम लोग 5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, बढ़ा दिए हैं, 5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, सभी में यही नाप चलेगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ाना है, 1.25 इंच, और हमें इसको इस प्रकार से गोलाई देना है, यहाँ से इस प्रकार से। अब क्या करना है हमें, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो हम 1.5 इंच नाप लिए हैं, देखिए इस चौथे भाग का, इस आर्महोल का चौथा भाग में आधा इंच कम किए हैं 1.5 इंच, तो इस निशान पर हमें इसको इस प्रकार से ऐसे डाउन करना है शोल्डर को इस प्रकार से। अब क्या करना है, यहाँ से आधा इंच बढ़ाना है ना, और उसके बाद क्या करना है, करना है हमें यहाँ से देखिए 8 इंच आ रहा है, इसका चौथा भाग लेना है, जैसे यहाँ पर लिए हैं 2 इंच, आधा इंच कम कर दिए कंधे के उतार के हिसाब से, उसी प्रकार हमें क्या करना है, चौथा भाग लेना है इस आर्महोल का, मुड्ढे का, उसके बाद चौथा भाग लेंगे तो 2 इंच होगा, तो 2 इंच में हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इंच घटा देंगे, 2 इंच आ रहा है तो इस पर हम लोग 1/2 इंच घटा देंगे, इस प्रकार से एक निशान लगा देंगे इस प्रकार से, ये वाला, यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाएंगे, देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पर राउंड दे देना है। ये वाला जो भाग है इसको भी हमें टक से काट के रखना है। अब इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए देखिए ये जो कमर है हमारा है ना, उस पर क्या करना है, कमर हमें छाती का 6वां भाग लेना है, कमर का यहाँ पर हमें नाप लेना है छाती का 6वां भाग, तो 6वां भाग कितना हो रहा है, 5 इंच, 5 इंच, और लगभग 1 सूत का 1/2 इंच आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर निशान लगाएंगे। मैंने 1.25 इंच लिया है ना, तो इसको ध्यान रखना है, अगर किसी का पीठ का चौड़ाई ज़्यादा है, कमर थोड़ा बड़ा है, तो इसको आप लोग कम लेंगे, 1.5 इंच लेंगे है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको एक बार बता दे रहा हूँ फिर, इसको छाती का 6वां भाग लेना है, और यहाँ पर को लेना है हमें इस 6वां भाग से 1/2 इंच बढ़ा देना है, जैसे यहाँ पर हमने 5.5 इंच लिया है चौथा भाग, 6वां भाग, तो यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 6 इंच, तो इस 6 इंच को यहाँ पर बनाएंगे, 6 इंच पर निशान लगा देंगे। अब क्या करना है हमें, ये जो हमने 1/2 इंच यहाँ पर बढ़ाया है इसको इस प्रकार से खींचना है, अब इधर इधर को इस साइड हल्का से इस प्रकार से बना देना है। अब हमारा पीछे का जो भाग है वो ड्राइंग पूरी तरह से हो चुका है, मैं इस पर कटिंग कर लेता हूँ। चलिए कटिंग कैसे करना है उसको समझ लीजिए, देखिए मार्ग तो हमने कर लिया है इस पर पीछे भाग का, इस पर हम लोग लगभग 1 इंच का
मार्जिन देंगे, एक 1 इंच का मार्जिन दे देंगे इस साइड में। अब इधर भी हमें मार्जिन ले लेना है 1 इंच का, एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। हमारा सिलाई जो है इस पर रख के आएगा, यानी कि इस संदर्भ पे आएगा, यहाँ पर सिलाई आएगा। फिर भी मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। एक इंच से भी कम लेंगे तो चलेगा मार्जिन को। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग काट लेते हैं। देखिए काटने के लिए ये हमारे यहाँ तक लंबाई है, तो इधर मैं 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले ले रहा हूँ मोड़ने के लिए। ये वाला जो लाइन था वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा था मार्जिन देने के लिए, इसलिए मैं 1/2 इंच का मार्जिन दिया हूँ, क्योंकि हमारा जो सिलाई आएगा वो इस लाइन से अंदर 1/2 इंच आएगा सिलाई, है ना। तो इतना बहुत काफ़ी हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा निकाल दे रहा हूँ, सीधा फिर काटूंगा। जो भी मार्जिन देंगे हम सामने भाग में देंगे। ये जो लाइन है इस पर हमें टक से काटना जरूरी है, क्योंकि जब सिलाई करेंगे तो आगे पीछे मत हो, नहीं होना चाहिए, इसलिए इस टक्स को काटना जरूरी है ना। आज इस इंसान को भी हमें टक्स काट लेना है। देखिए यहाँ पर इस साइड भी टक्स काट लेंगे। देखिए तो हमें क्या करना है, देखिए ये छाती की चौथा भाग, इस लाइन को हम लोग देखिए यहां से हमने 5 इंच कम लिया है चौथा भाग से, तो इसको हम लोग यहां से और एक टक्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पर काटना पड़ेगा। ये जो हमारा बीच है ना, आर्महोल का नाप लिए हैं 8 इंच, उसका बीचों बीच इसको हमें इस प्रकार से यहाँ पर एक टक्स काट देना है। यही जॉइंट, इसी टक्स से हमारा स्लिप का जो जॉइंट होगा वो जुड़ेगा यहीं पर से। तो चलिए आज का हमने पीछे भाग काट लिया है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।